और आज स्कूल एक बिल्कुल सेफ कैंपस है सारे बच्चों के लिए। इस सारे रिजल्ट का श्रेय टीचर्स को और बच्चों को जाता है। हम एक अच्छा एनवायरनमेंट क्लासरूम में देते हैं, निस्संदेह उसी का परिणाम है, और हम आशा करते हैं कि आगे भी ऐसा ही होता रहेगा। आई वुड लाइक टू टेल देम दैट डू कंटिन्यूअस हार्ड वर्क फ्रॉम द बिगनिंग सो दैट द थिंग्स डोंट बोदर यू इन द लास्ट। हार्ड वर्क करें, जो रेगुलर प्लानिंग को रेगुलर करें, मतलब ऐसा ना बोले कि हम कल कर लेंगे, मतलब उसी दिन करें जो भी करना है, यानी कि कल करें सो आज कर, आज करें वही सो। कहावत। ठीक है, धन्यवाद। ताजिया ताजिया खबरां सुनने लई साडे चैनल नू सबसक्राइब करो ते बैल बटन दबाउणा ना भुल्लो अते वीडियो नू लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करो। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं कानूनी शिकंजा और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त जितेंद्र कुमार। दर्शकों, आज हम एक ऐसी विषय के ऊपर आपको लेके चल रहे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है हमारे समाज को बनाने के लिए, और इसी के चलते आज हम पहुंचे हैं जिला ऊना के बंगाणा तहसील के लठियाणी में, जहां पे दयानंद सरस्वती विद्या मंदिर का एक संस्था है, उनकी एक शाखा है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, जहां पर बच्चों ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। तो उसी को आज हम आपसे आपके साथ रूबरू करवाने जा रहे हैं। तो चलिए, बहुत बहुत स्वागत करते हैं उनका। तो दर्शकों, ये हैं कनिका जो कि प्लस टू में टॉप रही हैं डीएवी स्कूल से। तो बात करते हैं इनसे, जानते हैं। बेटा, सबसे पहले अपने इंट्रो दें दर्शकों को। मेरा नाम कनिका है एंड आई स्टडीड फ्रॉम डी ए पब्लिक स्कूल लठियानी एंड आई गॉट 92.6% इन 12th बोर्ड। बहुत बहुत बधाई कनिका जी आपको। थैंक यू। आप इसका श्रेय किसको देना चाहते हैं? आई वुड लाइक टू गिव क्रेडिट टू माई टीचर्स एंड माई पेरेंट्स फॉर थ्रू आउट माई जर्नी, दे हेल्प मी अ लॉट। अच्छा, ये बताइए कि आपका सपना क्या है इस सफलता के बाद? माई एम इन लाइफ इज़ टू बिकम अ डॉक्टर। ओके, और अच्छा, आप ने बहुत मेहनत की और फर्स्ट पोजीशन पे आए, तो जो आने वाले आपके साथी हैं, जूनियर्स हैं, उनको क्या संदेश आपकी तरफ से रहेगा? आई वुड लाइक टू टेल देम दैट डू कंटिन्यूअस हार्ड वर्क फ्रॉम द बिगनिंग सो दैट द थिंग्स डोंट बोदर यू इन द लास्ट। ठीक है, धन्यवाद जी। सेकेंड, क्या नाम है जी आपका? माय नेम इज़ रूपाली शर्मा। अच्छा, रूपाली शर्मा जी, कितने परसेंटेज आएगा आपके और क्या आप कहना चाहते हैं? आई गॉट 91.8 स्कोर। अच्छा, क्या आप इसका श्रेय किसको देना चाहते हैं? टू माय पेरेंट्स एंड टीचर्स। अच्छा, तो ये बताइए कि आपका सपना क्या है? माय एम टू बिकम अ डॉक्टर इन माय लाइफ। अच्छा जी, ये बताइए कि आप अपने आने वाले साथियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? जो क्लास में रेगुलर हो रहा है उसे रेगुलरली करिए ताकि कोई डिफ़िकल्टी ना हो लास्ट में। चलिए, ठीक है, धन्यवाद जी। क्या नाम है जी आपका? माय नेम इज़ ओशीन। रोशनी? ओशीन। ओशीन, ओशीन जी, कितने नंबर आए आपके? आई गॉट 90.6%। अच्छा, ओशीन जी, किसको श्रेय देना चाहते हैं? आई वुड लाइक टू गिव दिस क्रेडिट टू माय पेरेंट्स एंड टीचर्स। क्या आपका संदेश आने वाले स्टूडेंट को रहेगा? हार्ड वर्क करें, जो रेगुलर प्लानिंग को रेगुलर करें, मतलब ऐसा ना बोले कि हम कल कर लेंगे, मतलब उसी दिन करें जो भी करना है, यानी कि कल करें सो आज कर, आज करें वही कहा। ठीक है, धन्यवाद। और एक और हमारे साथ बच्ची हैं, इनसे जानते हैं, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम इशिता शर्मा है। अच्छा इशिता जी, कितने परसेंट आए आपके? 90.2%। अच्छा, क्या आपका अब सपना है? बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहती हूँ। क्या कहना चाहते हैं जो आपके छोटे भाई बहन आने वाले हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं? मेहनत कीजिए, सक्सेस मिलेगी ज़रूर आपको, मेहनत करेंगे तो। तो दर्शकों, हमारे साथ यहाँ पे इनके टीचर भी मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं, क्या नाम है मैम आपका? निशा सर। आई एम फिजिक्स टीचर हियर वर्किंग इन डीएवी। तो मैम, क्या कहना चाहते हैं इन बच्चों की उपलब्धि? दे आर वेरी गुड लिसनर्स, दे आर वेरी गुड लर्नर्स एंड दे हैव डन अ वेरी हार्ड वर्क टू अचीव दिस स्कोर। यहाँ पर पेरेंट्स भी साथ में आए हैं बच्चों के, तो इनसे जानते हैं कि क्या इनको महसूस हो रहा है बच्चों की उपलब्धि के ऊपर। कृपया करके सर, पहले अपने बारे में बताएँ। मेरा नाम मनोज कुमार है, मैं, मेरी बच्ची डी बी सीनियर सेकेंडरी स्कूल लठियाणी में पढ़ती। मेरी बच्ची ने यहाँ 90% मार्क्स आए हैं, तो मुझे अच्छा गर्व महसूस हो रहा है और इलाके के लिए भी अच्छी खुशी की लहर है कि बच्चों ने अच्छे मार्क्स हासिल किए हैं। अच्छा सर, देखा जाए तो जो डीएवी की संस्था है, इनका जो स्कूल है, मेरे हिसाब से यहाँ से लगभग 40-40 किलोमीटर के फासले पर है,
हाँ जी, तो यहाँ इलाके के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, एक उपलब्धि है कि डीएवी की संस्था यहाँ है। तो आप क्या कहना चाहते हैं और पेरेंट्स के लिए जो कि और स्कूलों का रुख करते हैं? मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि ये एक्चुअली कुटलैहड़ में यही एक डीवी सीनियर सेकेंडरी की एक ही संस्था है, तो ये सबसे अच्छा स्कूल है नियर अबाउट 40 किलोमीटर में। तो अपने बच्चों को यहीं पर अपने बच्चों को शिक्षा दिलाएं तो बड़ी अच्छी बात हो। चलो सर, धन्यवाद। दर्शकों, यहाँ पर हमारे स्कूल के प्रिंसिपल मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। सर, पहले अपने बारे में दर्शकों को बताएं। मैं यहाँ पे डीएवी पब्लिक स्कूल लठियाणी में एज ए प्रिंसिपल ज्वाइन हुआ सितंबर 2017 में। तो उसके बाद स्कूल में जो विकास कार्य हुआ वो सारे पेरेंट्स को पता है, सारे बच्चों को भी पता है। हमने ग्राउंड्स को, स्कूल को एक बाउंड्री वॉल के अंदर बंद किया और आज स्कूल एक बिल्कुल सेफ कैंपस है सारे बच्चों के लिए और पूरे इलाके की सेवाएं कर रहा है। बहुत बढ़िया रिजल्ट्स के साथ बहुत बढ़िया खेलने का प्रबंध है हमारे पास। सो मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि पूरी तरह से पूरा स्टाफ बच्चों को और पेरेंट्स के लिए अच्छे से कार्य कर रहा है। अच्छा सर, अभी जो बच्चों ने प्लस टू के रिजल्ट में उपलब्धियां हासिल की हैं, क्या कहना चाहते हैं आपके स्कूल का? जो हमारे जानकारी के अनुसार रिजल्ट है वो 75% के नीचे नहीं है, तो क्या कहना चाहते हैं, इसका श्रेय किसको देना चाहते हैं आप? एक्चुअली सबसे पहले तो मैं पेरेंट्स को, अध्यापकों को और बच्चों को बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने बहुत कोशिश की, काफ़ी मेहनत करी, टीचर्स ने काफ़ी प्रयास किए, बच्चों ने भी काफ़ी मेहनत करी। तो इस सारे रिजल्ट का श्रेय टीचर्स को और बच्चों को जाता है और निस्संदेह पेरेंट्स का सहयोग बहुत ज़्यादा रहता है। और जहाँ तक स्कूल का जो रिज़ल्ट है दैट इज़ 100% है, और जो हमारा QPI है जो उसको हम एवरेज परसेंटाइल कहते हैं बच्चों का, वो 83 से ऊपर है, तो जो एक बहुत ही सराहनीय है। तो इसका सारा श्रेय बच्चों को है, पेरेंट्स को है, और उसके ऊपर जो स्कूल में एक एनवायरनमेंट रहता है, जो एक कल्चर रहता है, जो हम एक अच्छा एनवायरनमेंट क्लासरूम में देते हैं, निस्संदेह ये उसी का परिणाम है और हम आशा करते हैं कि आगे भी ऐसा ही होता रहेगा। अच्छा सर, एक मेरा अंतिम क्वेश्चन रहेगा, जैसा कि अभी चुनावी वर्ष आ रहा है, पार्टियाँ बहुत जोर शोर से चिल्ला रही हैं कि शिक्षा का स्तर बहुत जो हिमाचल में है बहुत नीचा है और बहुत ज़्यादा अनाप शनाप जो बयानबाजी है शिक्षा के लिए करते हैं, क्या कहना चाहते हैं इन पार्टियों के लिए? क्या हिमाचल में वाकई ही शिक्षा ऐसी है? जहाँ तक पॉलिटिक्स का सवाल है या कोई भी छींटाकशी करने का सवाल है तो मैं इसके ऊपर ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा। एक्चुअली जो गवर्नमेंट है, जो आपका हमारा बोर्ड है, जो एग्जामिनेशन देखते हैं, मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चूक रह जाती है। जैसे अभी हमारी छुट्टियों वाला था तो मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं रहा सिस्टम के साथ। छुट्टियां एकदम से 21 जुलाई से छुट्टियां कर दी जा रही हैं और 25-28 जुलाई के आसपास स्कूल फिर से लग रहे हैं, तो बच्चों को मेरे ख्याल में हार्डली एक महीना मिला, डेढ़ महीना मिला। तो दर्शकों, ये थे DAV स्कूल लठियाणी के छात्र छात्राएँ और पेरेंट्स अध्यापक, जिन्होंने साफ साफ कहा है कि बच्चे जो हैं बहुत मेहनत करते हैं, बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स भी मेहनत करते हैं और हमारे इस समाज को बनाने में अहम भूमिका रहती है इन बच्चों की। यही बच्चे कल को प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, IAS, HAS इत्यादि पोस्टों पर जाएंगे और इनके जो आज की मेहनत है ये कल अवश्य ही रंग लाएगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ कानूनी शिकंजा चैनल के लिए मैं जितेंद्र कुमार उन्ना से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ बने रहने के लिए कानूनी शिकंजा TV के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।